राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ये शादी के दिन का वीडियो मैंने शुरू कर दिया है। तो जी हाँ, तो आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, मैं हमेशा कहती हूँ जब अगर आप बीच में से वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोलती हूँ पिछला वीडियो देखे तो आपको आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पर आज है हमारे घर में शादी, मतलब बारात आने वाली है। तो आज ना सुबह पूजा हो रही थी, कथा हो रही, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बोलते मंत्री पूजा, और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे खाना भी बन रहा था बारातियों के लिए और घरातियों के लिए भी। तो यहाँ पे सुबह ना मंत्री पूजा होती, कथा होती है। तो यहाँ पे मम्मी और पापा, मतलब मेरे सास ससुर जी, कथा सुन रहे थे और तभी मैंने वीडियो शुरू कर दी। एक्चुअली मुझे और जल्दी शुरू करना था बट मैं किसी काम में बिजी होगी, नहीं शुरू कर पाई। आप समझ सकते हो जब घर में शादी होती तो हज़ारों काम होते हैं। तो और यहाँ पर तो मैं बहुत उलझन में थी क्योंकि मायके में भी शादी थी और ससुराल में भी, सिर्फ एक ही दिन का फासला था शादी का, तो इसके वजह से। और मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों ऐसी शादी रखी गई थी। तो यहाँ पे सास ससुर जी जो हैं पूजा सुन रहे थे और यहाँ पे मंडप पूरी तरीके से अच्छे से मेरे ख्याल से सज गया था। थोड़ी मोड़ी चीज़ें बाकी रह गई थी क्योंकि कथा हो रहा था, बाकी सारी चीज़ें हो गई थी। बहुत ही प्यारा, अच्छा और मंडप सजाया गया था। और यहाँ पे जब तक कथा हो रही थी तो और भी बाकी काम हो रहे थे, जैसे स्टेज का काम हो रहा था और भी बहुत सारी लड़कियों की। तो शादी में आपको पता है ये जब बारात आती है तो बहुत सारे काम होते हैं, घर में जब शादी होती है तो वही सारे कामों में सभी लोग A to Z बिजी थे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो यहाँ पे सभी लोग जो है नहा के रेडी वगैरह हो गए, तो सब अपने काम में लेडीज़ लोग लग चुकी थी। जैसे लोग सारे बाहर के काम देख रहे थे, जैसे कि हलवाई का, स्टेज का, आप देख सकते हो वहाँ पे दूर स्टेज बन रहा था, वहाँ पे बम्पर सिस्टम, खाना वगैरह, बारातियों को रुकने की जगह और भी बहुत सारी व्यवस्था पे ध्यान दिया जा रहा था। बाकी जहाँ से बारात आने वाली है वहाँ पे पूरी लाइटिंग वगैरह लग रही थी, घर पे लग रही थी, तो इस तरीके से काम चालू था। और साथ ही साथ मंत्री पूजा तो बाहर हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ पे खाना बन रहा था मंत्री पूजा को। तो दुल्हन को खिलाने के लिए यहाँ पे खाना अलग बनता है, तो जैसे कि बारा, पकौड़ी, दाल, चावल, सब्जी, ये सारी चीज़ें बनती है, कढ़ी बनती है। तो ये जो है दुल्हन को खिलाया जाता है, इसके लिए इसका खाना अलग बनता है, मतलब पूजे का खाना है ये। फिर उसके बाद खाना बन ही रहा था तो फिर बाहर पता चला आरती हो रही, तो हम सभी लेडीज़ लोग बाहर आ गए। और यहाँ पे ना गांव के भी लेडीज़ लोग इकट्ठा हो गए थे क्योंकि सबको बुलाया गया था शादी में। तो यहाँ पे आरती वगैरह हुई, हम सब ने पूजा पाठ अच्छे से किया, आरती भी ली। और उसके बाद मैं इसी के बीच में, आरती ख़त्म होने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद मैं चली गई अपने मायके, क्योंकि वहाँ पर थी हल्दी। जी हाँ, तो मायके में थी हल्दी। तो मैं पूजा होने के बाद भी मायके गई, फिर उसके बाद मैं शाम को आई। और मेरी बहन की हल्दी का वीडियो आपको सब कुछ अलग देखने मिलेगा, अगर मैं इसके अंदर ऐड करती तो आप लोग खुद एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते कि शादी का वीडियो है कि हल्दी का वीडियो है। इसके लिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया जिससे आपको समझ में आ सके। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस आपको देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखते देखते शाम हो गई, हम सभी लोग रेडी हो गए यहाँ पर। और मायके से आते ही मैं तुरंत सबको रेडी की और मैं भी खुद रेडी हो गई। कितनी प्यारी लग रही ना मेरी ननंद, और ये है मेरी मौसी सास, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी सी देवरानी। तो सभी लोग रेडी हो गए थे, बारात आने का इंतज़ार कर रहे थे, हम सभी लोग बाहर खड़े थे। गांव के भी बहुत सारी लेडीज़ लोग आए थे, बहुत सारे मेहमान आए थे और सभी लोग यहाँ पे फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे। यहाँ पे मेरी सेकंड नंबर की जेठानी, घर की लड़कियाँ बहुत प्यारे सुंदर लग रहे थे। और सच में कहो सब तैयार हो जाते ना यार, बहुत सुंदर लगते हैं। और बारात का सबको इंतज़ार था और हम लोग रेडी हो गए और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे सभी लोग। हमें टाइम मिल गया था बहुत ज़्यादा, तो हमने वीडियो शूट किया, फ़ोटो शूट किया। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ, सारी व्यवस्था हो चुकी थी, आप लोग देख सकते हो मंडप सज चुका था, स्टेज का भी काम हो चुका था, खाना भी वगैरह सब कुछ हो गया था और मेहमान भी सारे आ चुके थे। अब यहाँ पर ना सिर्फ हमें इंतज़ार था दूल्हे राजा का। दूल्हे राजा को दिखाने से पहले जो मैं दुल्हन को दिखा दूँ कि हमारी दुल्हन कैसी लग रही है, तो ये देखिए हमारी दुल्हन कितनी अच्छी लग रही है ना। तो प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी,
और आपको बताऊं कि पार्लर वाली बाहर से नहीं आई थी, इन्हीं की मौसी की लड़की जो थी उन्होंने मेकअप किया, और बहुत वाकई बहुत अच्छा उन्होंने मेकअप किया, और इतनी प्यारी लग रही थी, और सबसे प्यारा तो उसका लहंगा लग रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था और उसको देख के, और इतनी अच्छी से रेडी हो गई थी। कितनी बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, बहुत जल्दी। तो यहाँ पर कितनी प्यारी गुड़िया लग रही थी, और फिर ये सुबह विदा भी हो जाएगी। तो वीडियो में एडिटिंग कर रही हूँ, ज़्यादा इमोशनल हो गई प्रिया को देख के, तो आई मिस यू प्रिया। और यहाँ पे फिर उसके बाद आती है बारात, बारात आ गई है, बाराती सब आ गए हैं धीरे धीरे करके, आप देख सकते हो द्वार हमारा पूरा भर चुका है बारातियों से, और अभी धूम धड़ाके से डीजे वीजे बजाते हुए, नाचते हुए, बम पटाखे फोड़ते हुए सब आ गए आ गए आ गए आने लगे धीरे धीरे। हम सब लोग लेडीज़ लोग अंदर खड़ी थी दूल्हे राजा को देखने के लिए, क्योंकि सिर्फ हमारी जेठानी जी ने देखा था और घर के जेंट्स लोगों ने, बाकी हम लेडीज़ों ने नहीं देखा। तो आपको बता दूं दूल्हे का नाम है रजत, जी हाँ, कितना प्यारा नाम है ना, रजत और प्रिया, जी हाँ। तो यहाँ पे नाचते गाते हुए देखो बराती कितने अच्छे लग रहे हैं सब, और रजत का इंतज़ार था, रजत आ गए, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे थे, देख के दिल खुश हो गया रजत को देख के। और रजत जी मालूम है रथ पे आए थे तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ना, लड़की की जो बारात आती है ना तो घर वालों की ना दिल से धक 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 करते हैं, जी हाँ महसूस होता है, क्योंकि घर में कैसा होता है ना, बेटियों की शादी जब होती है ना, कहीं गलती ना हो जाए, कुछ कमी ना रह जाए, तो बहुत टेंशन होता है, सब अच्छे से हो जाए, सब लोग प्रार्थना करते हैं, मतलब बहुत ये होता है ना। तो फिर वह यहाँ पे आप देख सकते हो सारी लेडीज़ लोग आ गई हैं, और अब यहाँ पे बारी आती परचन, दूल्हे राजा आ गए हैं रथ से, देख सकते हैं आप लोग। मैं एकदम पास में नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो बहुत लोग थे, इसके लिए ना हम वन बाय वन करके सारे घर घर की जितनी लेडीज़ हम लोग परचन करने गए, परचन मीन्स कि दूल्हे राजा का स्वागत, मतलब फिर करने गए एक से एक, मतलब एक के बाद ऐसे ऐसे हम सभी लोग गए, और तो इसमें भी टाइम लगता है, तो रथ पे ही सब कुछ हुआ। उसके बाद दूल्हे राजे जो है मतलब जो है स्टेज पे गए, और फिर उसके बाद जयमाल सिस्टम हुआ, और उसमें भी बहुत मज़ा आया। मैं अपना कैमरा जूम कर रही हूँ बार बार, बट इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट अभी स्टेज पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे ना हमारे घर के जितने भी जेंट्स थे ना, सब ऐसे ही टी शर्ट और नाइटी पे ही घूम रहे थे लोग ऐसे ही, और उसके बाद लोग रेडी हुए, क्योंकि मालूम है घर की बेटी की शादी, तो पहले उन लोग अपने घर की इज्जत पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि कहीं गलतियाँ ना हो जाए, कुछ कम ज़्यादा हो ना जाए, उस पे ज़्यादा ध्यान था। उसके बाद परछन होने के बाद आती है दूसरी स्टेज पर, तो हम ना दुल्हन को लेकर आए स्टेज पर, और सॉरी इसका वीडियो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद इनके साथ थी, इसके वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो प्रिया बहुत अच्छे से आई स्टेज पर, और उसके बाद जयमाल हुआ, रजत बहुत अच्छे लग रहे थे, रजत क्या दोनों जन बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इनकी जोड़ी को किसी की भी नज़र ना लगे, बहुत ही खूबसूरत से जोड़ी, हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े बस, और परिवार की इज्जत करे और परिवार को लेके आगे बढ़े, बस यही चाहती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत जोड़ी, और बहुत अच्छे से जयमाल भी हो गया इनका, और यहाँ पे अभी फ़ोटोशूट यही सब चल रहा था, फिर वन बाय वन सबकी फैमिली, मतलब जैसे घराती और बराती, बराती पहले गए जयमाल पर और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, उसके बाद घराती गए, क्योंकि ना लेडीज़ भी आई थी इसके वजह से पहले उन लोगों को जाने दिया गया, उसके बाद हम घराती तो आराम से गए, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो थोड़ा टाइम लगता। स्टेज पे सारी लड़कियां थी, और आपको बता दूं प्रिया हमारी बेटी, अगर लोग पहला ये वीडियो देख रहे तो मैं बता दूं हमारी बेटी हैं, तो बहुत अच्छे हमारे दामाद जी हैं, तो हमें बहुत खुश है हम लोग के बहुत अच्छे दामाद जी हमें मिले हैं, बस और कुछ नहीं। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो पसंद आता होगा, और मुझे ऐसा लगता है आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने जो वीडियो शेयर किया आपको समझ में अभी आ रहा होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को वीडियो शेयर करने की, मतलब बहुत छोटे छोटे क्लिप लिए, बहुत सारे क्लिप छूट गए, नहीं मिल पाए, या मैंने नहीं शूट कर पाई, ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे हालात आ जाते हैं कि नहीं कर पाते हो। सेम यही है, आप देख सकते हो सारी बराती सेट बैठे थे और घराती लेडीज सब यहाँ बैठे थे। फिर यहाँ पे पूरी फैमिली स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखिए मैं और मेरे हस्बैंड जी भी आशीर्वाद देने पहुँच गए, तो ये क्लिप मैंने रखा था जो मेरे हस्बैंड जी से मैंने बोला प्लीज़ मुझे दे दो, ये कि यादगार हो जाएगा, तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद ना एक के बाद एक एक रस्म थी, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम हमें ये नहीं करना था, और भी फिर शादी भी होनी थी, मतलब उसकी भी रस्म थी, उसके पहले भी बहुत सारे रस्म थे, वो सब भी करना था, एक एक करना था, तो ना कब रात बीत गई पता ही नहीं चला शादी का। और
बिटिया फिर सुबह विदा हो गई, क्या ही कहूँ अभी। तो चलिए, प्रिया को ससुराल से क्या आ गया आया था सॉरी, तो मैं बता दूँ तो ये सारी उनको ज्वेलरी आई थी, चांदी की पायल, और नहीं पायल मीन्स की पायल वगैरह आए थे, पायल मतलब पैजनी, फिर यहाँ पे झुमका, मांग टीका, नथिया, हार और करधनी, फुल करधनी थी शायद से, में भी साड़ी में सब आई थी। तो यहाँ पे लावा लावा परछन के बाद, मतलब लावा होने के बाद वो एक रस्म थी जहाँ पे हमने खूब डांस किया, और वो रस्म होने के बाद तुरंत जो है इमली घोटाई शायद से हो गई थी, और उसके बाद फिर शादी बैठी थी। और यहाँ पे अब दुल्हन जा रही है मंडप में, दूल्हे राजा हैं मंडप में, रजत हैं, और उसके बाद अब प्रिया जा रही है। इसके बीच का क्लिप शायद मैंने नहीं लिया, इसके पहले भी जो है कुआँ ऐसे झकाई ऐसे कुछ, कुएँ वाला रस्म भी होता है शौरी, अगर मुझसे गलती से कुछ निकल गया होगा तो, कुएँ का भी ऐसा कुछ होता है, दुल्हन को लेके जाया जाता है आग बन करके, वो भी एक रस्म होती है। और उसके पहले लावा वाला मैंने आपको डांस वाला बता दिया है, वहाँ पर लावा परचन हो रहा था, मतलब साइड में हो रहा था रस्म, हम लोग सब डांस कर रहे थे। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसा लगा, हम लोग ने यूपी वाला ठुमका लगाया है बराबर एकदम ढोल पे। और यहाँ पे शादी हो रही थी मंडप में, तो हम यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठ के ना गाना गा रही थी। आपको तो पता है यूपी साइड में गाना बहुत ही भारी भरकम गाया जाता है, वो भी गालियों के साथ, वो भी मजाक मस्ती के साथ जो सारे बारातियों को दी जाती है, तो हर एक रस्म के पीछे गाना होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैंने यहाँ पे नहीं डाला सॉरी, क्योंकि ना बहुत सारे गाने ना बहुत गंदे गंदे थे, गालियों वाले थे, इसके लिए मैंने नहीं शेयर किया। और बाकी सब जैसे जब दूल्हा दुल्हन को सिंदूर पहनाता है तो अलग सॉन्ग है, जब भाई जैसे कि कन्यादान का अलग है, फिर फेरे होते तो उसका गाना अलग है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग गाने थे। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे शायद मे भी, हाँ यहाँ पे भी फेरे होने वाले हैं, तो यहाँ पे भाई जो है फेरे के लिए जाते हैं, जैसे कि लावा डालते हैं हाथ में, उसके बाद फेरा होता है। यहाँ पे गौरव खुश हो गए थे क्योंकि गौरव को मिला था गिफ्ट उनके घर की तरफ से, तो यहाँ पे इतनी ठंडी लग रही थी कि सब शॉल स्वेटर लेके बैठे थे, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और बारातियों के लिए भी व्यवस्था अच्छी की गई थी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसकी वजह से। अब यहाँ पे ना शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर विदाई का समय आ गया, और
विदाई के समय देखिए भाई बहन यहाँ पे अब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और मैंने ना वीडियो इसके लिए लिया ना, इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए कितना अच्छा मुझे लगा ना इन लोगों का, कि कितने प्यार से बात कर रहे हैं आपस में और भाई बहन, और पता है कि जाने वाली है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। और रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बट प्रिया ने भी बहुत कंट्रोल किया था अपने आप को। पता है कि मैं टूट गई तो सब टूटेंगे, पर लड़की स्ट्रांग थी हमारी, और अच्छे से विदाई भी हो गई, लड़की अपने घर पर भी गई और बहुत बहुत खुश है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है उसके लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी गांव में बिल्कुल भी नहीं डाल पाई, मुंबई आने के बाद ही सारी वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे गाड़ी आ गई और प्रिया विदा हो गई। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी फ्रेंड, और वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों को मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी कि प्रिया और मंजू, प्रिया मतलब मेरी बेटी और मंजू मतलब मेरी बहन, ऐसे आगे पीछे क्यों शादी हुई। सारे वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताऊँगी क्या बातें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।